जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पीएम मोदी का बायोपिक फिल्म बनाया जा रहा है और हमारे पास आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में गुजरात दंगे और गोधरा कांड भी दिखाया जाएगा। आपको बता दूं कि इस चीज की शूटिंग के दौरान बोगी में आग लगा दी गई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट मीडिया नेटवर्क। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। खबरें ये आ रही है कि फिल्म में गोधरा कांड का सीन भी दिखाया जाएगा। रविवार 3 मार्च को इस सीन की शूटिंग की गई है और आपको बता दूं कि ये घटना साल 2002 की है, जब भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच को आग के हवाले कर दिया था। उस वक्त पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो यह सीन वडोदरा के वेस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट की मदद से प्लान किया गया था और पूरी तरह उसकी देखरेख में हुई। इस सीन की शूटिंग विश्वामित्री रेलवे स्टेशन पर हुई। शूटिंग के दौरान यह ध्यान रखा गया कि इससे रेल ट्रैफिक बाधित ना हो। वेस्टर्न रेलवे के PRO ने बताया कि इस सीन के लिए एक बोगी को आग लगाई गई, लेकिन यह बोगी एक मॉक ड्रिल के लिए इस्तेमाल होने वाली बोगी थी जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। हालांकि साबरमती एक्सप्रेस वाले सीन की शूटिंग गुजरात में की गई, लेकिन ट्रेन के अंदर के सीन की मुंबई में सेट लगाकर की गई। आपको बता दें कि इस फिल्म में विवेक ओबराय, जो कि पीएम मोदी के रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में विवेक के साथ जरीना वहाब, मनोज जोशी, प्रशांत नारायण, वर्खा सिंह और सोन गुप्ता नजर आने वाली हैं। उमंग कुमार के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म इस साल चुनावों से पहले रिलीज होने वाली है। उमंग इससे पहले मैरीकॉम और सरबजीत जैसी फिल्में दे चुके हैं। अब दोस्तों, नरेंद्र मोदी की बायोपिक फिल्म देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हमारा ये न्यूज अगर आपको पसंद आया हो तो इस न्यूज को लाइक करें। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।